घड़ी में ठीक सुबह के 6:40 हो रहे थे और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बैंड के थाप पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। ठीक इसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजपथ पर पहुंच चुके थे। तमाम जरूरी औपचारिकताओं के बाद योग के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आज कभी किसी ने सोचा होगा कि राजपथ भी योग पथ बन सकता है। आज 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से न सिर्फ एक दिवस मनाने का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शांति सद्भावना इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मानव मन को ट्रेनिंग करने के लिए एक नए युग का आरंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच से उतरकर पब्लिक के बीच पहुंच गए। मोदी को रास्ते में पानी की एक बोतल भी पड़ी थी, जिसे उन्होंने उठाया और एक किनारे कर दिया। फिर वो खुद भी भीड़ का हिस्सा बन गए। मोदी योग कर रहे लोगों के बीच भी गए और वहाँ का जायजा भी लिया। पैर को मोड़े, प्लेस द फुट ऑन, छोड़ते हुए हाथों को और दाहिने पैर को नीचे लाएं। नाउ वी विल रिपीट वृक्षासना। इसके बाद उन्होंने खुद तमाम आसन किए। श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आए। इनहेल अगेन, कम अप, हाथों को कमर पर रखें। एक्सहेल स्लोली एंड मूव योर हेड फॉरवर्ड। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे झुकाएं। गर्दन मोड़ने का अभ्यास। एक्सहेल टर्न द हेड टू द राइट। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाएं। इनहेल एंड ब्रिंग द हेड बैक। कार्यक्रम के खत्म होते ही मोदी एक बार फिर बच्चों के बीच पहुंच गए और उनसे उनका हालचाल जानने लगे। ये इन बच्चों का, देशवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि खुद देश के प्रधानमंत्री। देखते ही देखते बच्चों ने मोदी को घेर लिया। मोदी भी उनके साथ खुल मिल गए, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद खतरनाक था, जिसे भागते हुए उनकी सिक्योरिटी में तैनात एसपीजी के जवानों ने चंद सेकेंडों के भीतर ही प्रधानमंत्री को अपने घेरे में ले लिया और उन्हें भीड़ से बाहर निकाल दिया। जाहिर है सिक्योरिटी की इस मजबूरी में दिल न बच्चों का भरा और न ही मोदी का। इस सत्र में नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज, ये दिखाया कि आप हर इंसान, हर भारतवासी के साथ हैं।